सत्तो पन्ना सत्तो के आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने सखी के साथ देवलोक से भगवान बुद्ध तक की यात्रा करी और उन्होंने ज्वलंत प्रश्न भगवान के सामने रखा था कलह विवाद को लेके, तो उसपे उसके उसके माध्यम से हमने सत्य को भगवान ने क्या उत्तर दिया और फिर अन्य भी कुछ सत्य में कलह विवाद झगड़ा और इससे संबंधित मेंटल स्टेट्स के बारे में जाना और इसके पार जाने के लिए कैसे हमें संज्ञा निरोध करना होगा इस बात को समझा मिटली कलह विवाद के अंत तक पहुंचने के लिए। तो अब इसमें आगे बढ़ते हुए तक के जो बाकी प्रश्न थे इसी उनकी विजिट में जो भगवान के पास वो आए थे, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सक का अगला क्वेश्चन था पातिमोक्ष संवर को लेके या कुछ अपने जो हमारे कंडक्ट होते हैं बॉडी माइंड स्पीड बॉडी और माइंड के उसको लेके उन्होंने सवाल पूछा कि कथम पटिपन्नो पन्न मारिस भिक्खु पातिमोक्ष संवराय पटिपन्नो होती। अबे इन इन्होंने जो सवाल पूछा और जो उत्तर आया वो इट्स नॉट रियली लिमिटेड इन यू नो ओनली टू मोनास्टिक कोड। उस समय तो मतलब जो जो इसमें उत्तर दिए गए दैट इज वेरी मच एप्लीकेबल टू एनी ऑफ अस ऑल्सो। तो भगवान ने उत्तर दिया और इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है उत्तर का वो वैसा ही है जो हमने पहले भी देखा है इस प्रश्न उत्तर के अंदर। भगवान ने कहा कि दो प्रकार के काय संवर हैं, बॉडीली बिहेवियर हैं, वर्बल बिहेवियर हैं और सर्चेज हैं, और एक ऐसी होती है जो कल्टीवेट करनी चाहिए, एक ऐसी होती है जो कल्टीवेट नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ टर्म यूज है काय काय समाचार एंड देन वाची समाचार एंड परियेसन। तो जो सेवित करना चाहिए और नहीं सेवित करना चाहिए, एंड अगेन एनीथिंग दैट वुड लीड टुवर्ड लिबरेशन वो है जो हमें सेवित करना चाहिए, और जो हमें संसारिक चक्र में बांधे रखे वो हमें सेवित नहीं करना चाहिए। तो बॉडीली कंडक्ट की बात करें तो शरीर से जो काम होते हैं वो हमारे होते हैं सेंसरी एक्सपीरियंसेस को रिसीव करने का माध्यम हमारी बॉडी थ्रू द फाइव सेंस बेसिस। तो इसलिए ऐसे कॉन्डक्ट्स जो उसको उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, उसमें हमारे तन्हा को बढ़ाएं, उनको अवॉइड करना चाहिए और वैसे कंडक्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए। यूज द बॉडी एज अ मीडियम फॉर लिबरेशन। तो संवर की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो हमारा बॉडीली कंडक्ट हो, हमारा कंजम्पशन हो, वो ग्रीड ओरिएंटेड ना होके, राग ओरिएंटेड ना होके, वो हमारे सर्वाइवल के लिए हो और इस प्रकार हो कि हम अपनी साधना को अच्छे से कर सके गृहस्थ जीवन के अंदर भी। तो ऐसा भी नहीं कि हम अपने आप को सुखा लें, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत इंडल्ज करें। फूड शुड बी सच विच हेल्प्स द माइंड स्टे अलर्ट एंड बैलेंस्ड, और अदर फिजिकल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो आर टू बी नॉट लीनिंग टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट बट थिंग्स दैट कैन कीप अस सतीमान एंड हेल्प अस प्रैक्टिस वाइल यू नो लिविंग अ गुड गृहस्थ लाइफ ऑल्सो। सेम फॉर वची समाचार विच इज वर्बल कॉन्डक्ट, कि ऐसी वाणी वाणी पे तो एक्चुअली हम काफी कुछ देख भी चुके हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो एनीथिंग दैट इज माइंडफुल स्पीच हो, कॉन्फ्लिक्ट को वो नहीं बढ़ाता हो, और बात कब बोली जाए उसका समय का ध्यान रखना, वेदर इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल और नॉट, ओनली देन इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड द राइट मेंटल स्टेट।
सो दैट इज द वन टू बी कल्टिवेटेड. एंड देन द नेक्स्ट वन इज वेरिएशन, कि किस प्रकार की हमारी जो इंटेंशंस है, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, वो किस दिशा में उनके, व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू गेन. सो वो भी ऐसा हो जो हमारी सर्च है, सर्च यहाँ पे स्पिरिचुअल सर्च से यहाँ पे मतलब है, बट वन कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज वॉट इज दैट वी आर सीकिंग इन लाइफ इन जनरल ऑल्सो. तो एनी थिंग दैट वुड अगेन लीड टू मोर ऑफ ग्रीड, हेट्रेड एंड डिल्यूजन हैज टू बी अवॉइडेड. अब वो चाहे हमारा कंजम्पशन भी हो सकता है, जैसे जो हम कंपनी रखते हैं और इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन. सो इफ वी गो ऑन कंज्यूमिंग थिंग्स विच आर नॉट लीनिंग टूवर्ड्स लिबरेशन, देन वी विल सीक सच मोर एंड मोर ऑफ सच थिंग्स. सो देयरफॉर वी हैव टू बी पुटिंग आर अटेंशन एंड आर एनर्जीज टूवर्ड्स वॉट विल कंड्यूस टू लिबरेशन. सो वेदर दैट इज सीकिंग सच फ्रेंड्स, सच पीपल, सच टीचिंग्स, कल्याण मित्र, दैट इज वेयर आर सर्च हैज टू बी. सो दैट वॉज सकास क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन दैट दिस इज वॉट द लॉर्ड सेड, कि किस प्रकार की हमें बॉडीली कंडक्ट, वर्बली कंडक्ट और सर्च को कल्टिवेट करना और क्या अवॉइड करना है. द नेक्स्ट वन इज वेरी स्पेसिफिकली नाउ ऑन इंद्रिय संवर. सो उसके अंदर सक ने क्वेश्चन पूछा एंड वन कैन सी दैट इज स्लाइटली रिलेटेड टू द प्रीवियस वन. सो ही इज सेइंग कि कैसे कोई इंद्रिय संवर को करे. तो उसमें भी फिर भगवान ने ये बताया कि दो प्रकार के साइट्स होते हैं, मतलब हर जो सेंस डोर है उसकी दो प्रकार की इनपुट हो सकती है. तो वन, कौन सा आपको कल्टिवेट करना है और कौन सा कल्टिवेट नहीं करना है. अब इस वाले प्रश्न में भगवान ने इतना ही जोड़ दिया, उन्होंने आगे एक्सप्लेन नहीं किया, उसको और डिटेल में नहीं बताया. तो सक ने कहा कि भगवान मैं जरा थोड़ा और बोलता हूँ, मुझे सही समझ में आए कि नहीं. तो सर दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड द डिटेल मीनिंग ऑफ द बुद्धा स्टेटमेंट. एंड देन ही एक्सप्लेन्ड इट फर्दर दैट यू शुड नॉट कल्टिवेट द काइंड ऑफ साइट नोन बाय द आई विच कॉजेज अनस्किलफुल क्वालिटीज टू ग्रो एंड स्किलफुल क्वालिटीज टू डिक्लाइन. तो जो भगवान ने कहा था दो होने चाहिए, एक कल्टिवेट करने वाला, नहीं कल्टिवेट करने वाला. सो सक हिमसेल्फ नाउ सेड मे बी बेस्ड ऑन सम ऑफ द प्रीवियस रिप्लाइज दैट हाउ दैट हैज टू बी एक्सप्लेन. सो एक्सप्लेन दैट फॉर ऑल द सिक्स सेंस डोर्स. सो अगेन इट कम्स टू हैज टू बी कल्टिवेटेड एंड नॉट कल्टिवेटेड. वॉट विल कंड्यूस टू मोर ऑफ स्किलफुल क्वालिटीज टू इंक्रीज इज समथिंग दैट विल लीड अस टूवर्ड्स लिबरेशन, चित्त की जो कुशल धम है उनको बढ़ाना और जो निर्वाण की तरफ लेते लेके जाती है ऐसी चीजों को बढ़ाना. तो हमारा इनपुट भी वेरियस सेंस डोर्स पे उसी टाइप का हो, जैसा देखेंगे या जैसा इसको. इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ आहार की हमने कई बार बात की है कि हम कैसा आहार ग्रहण करते हैं. दैट्स नॉट जस्ट द फिजिकल फूड बट ऑल्सो ऑल द सेंसरी फूड दैट वी टेक विच इम्पैक्ट्स आवर मेंटल स्टेट्स एंड आवर सर्च एंड हाउ वी विल प्रोसीड इन द धम्मा लाइफ. देन आफ्टर दैट नाउ वी आर कमिंग काइंड ऑफ क्लोजर टू यू नो सक्कर्स कॉन्वर्सेशन इज कमिंग टूवर्ड्स एन एंड. तो नाउ ही इज ऑल्सो स्टार्टेड टू थिंक अबाउट कि कैसे वो भगवान के पास आने से पहले अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट में औरों के पास भी गए थे, कुछ ब्राह्मणों के पास, एसेटिक्स के पास, जो भी उन्हें मिला, जो उन्हें लगता कि इनसे मैं कुछ धर्म सीख सकता हूँ. तो भगवान के आने पास आने से पहले वो कई औरों के पास भी गए थे. तो थिंकिंग ऑफ दैट नाउ ही आस्क सम क्वेश्चंस एंड देन ऑल्सो शेयर्स सम ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस. सो देन ही आस्क दैट भगवान क्या समण ब्राह्मणा एकंतवादा एकंतशीला एकंत छंदा एकंत ओझाना ओझा सानाति
तो यानी कि भगवान क्या जो भी और प्रैक्टिशनर्स होते हैं, क्या वो सब एक ही चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सबकी? क्या एक इज देयर सम लाइक लार्जर ब्रॉडर सिंगल डॉक्ट्रिन एथिक्स डिजायर अटैचमेंट दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड? तो भगवान एंड हिज क्वेश्चन इज टूवर्ड्स कि क्या मुक्ति का कोई एक ही मार्ग है? और जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो ऐसे लग रहा है कि सब जो मुक्ति के लिए मोक्ष का के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो सब एक ही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं है, मनुष्य लोक में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो ही सेड कि भगवान ने कहा कि नाना प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती है, अनेक धातु नाना धातु को देवानंद मिंद लोको। तो वॉट एवर एलिमेंट सेंशियंट बींग्स इंसिस्ट ऑन इन दिस वर्ल्ड ऑफ मेनी एंड डाइवर्स एलिमेंट्स दे ऑब्स्टिनेटली स्टिक टू इट। तो व्यक्ति का जहां उसका किसी एक चीज पे उसका ध्यान चला गया जिससे उसे मुक्ति का मार्ग ऐसे लगा कि यहाँ से निकल सकता है, उसी को वो चिपक जाता है, उसको वो ट्रुथ मान लेता है और बाकी चीजों को वो नजरअंदाज करने लग जाता है। एंड वी हैव सीन दिस इन क्वाइट डिटेल इन द ब्रह्मजाल सूत्र कि कैसे कोई साधक अपनी साधना के थ्रू ही ध्यानों के अंदर ही किसी एक स्थिति पर पहुंचने के बाद उसको सत्य मान लेता है, तो फिर बाकी जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं या बाकी जो सत्य की कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको फिर वो डिनाई करना शुरू कर देता है, उसको वो फ्यूटाइल मानने लगता है। तो इसलिए दैट्स व्हाई ही सेज दैट That's why not all ascetics and Brahmins have a single doctrine, ethics, desire and attachment. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग टर्म्स यूज लिए गए हैं, डॉक्ट्रिन समझ में आता है, एथिक्स भी चलो ठीक है कि शीलों की जो डेफिनेशन है क्या सबकी एक ही है अलग अलग है, छंद एंड अटैचमेंट भी यहाँ पे यूज है। सो माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट दिस इज अगेन टूवर्ड्स लिबरेशन, वॉट इज द काइंड ऑफ छंद एंड वोल्यूशन एंड डायरेक्शन वन में टेक। तो जब इतनी बात सबको समझ में आती है कि नहीं भाई डाइवर्सिटी है, देन ही आस्क एंड इट्स ऑल लीडिंग अप टू समथिंग। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये क्योंकि इनके खुद के एक्सपीरियंसेस है बैकग्राउंड के अंदर कि जब ये दूसरों के पास गए थे तब क्या क्या हुआ, तो दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग दीज क्वेश्चन। नाउ ही इज आस्किंग Have all the ascetics and Brahmins reached the ultimate end, the ultimate sanctuary from the yoke, the ultimate spiritual life, the ultimate good? क्या सब मुक्त हो गए हैं भगवान? तो वो कहते हैं कि नहीं हुए। तो फिर वो पूछते हैं क्यों? तो कहते हैं कि क्योंकि उनका तन्हा संख्या विमुक्ति नहीं हुई है, तन्हा के वो पार नहीं गए तो फिर इसलिए वो मुक्त नहीं हुए। Those mendicants who are freed through the ending of craving have reached the ultimate end. तो भगवान का जो आंसर है वो उसकी फॉर्मेशन पॉजिटिव फॉर्म है। भगवान ने बताया कि कौन मुक्त हो गए, तो अगर कोई भी ऐसा है, वो कोई भी एसेटिक ब्राह्मण हो, वो अगर तन्हा विमुक्ति उसने करी है, क्योंकि जो हमारा दुख का कारण है वो तन्हा है, अगर तन्हा चली गई तो दुख चला गया, तो अगर वो करा है तब तो वो मुक्त हो गए हैं, चाहे वो कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, वरना नहीं हुए हैं। तो क्योंकि सब तो वैसा नहीं करते हैं तो इसलिए नॉट ऑल ऑफ देम हैव रीच्ड द निर्वाण। अब सब अपने मन की बात सामने रखते हैं कि भगवान ये तो है, जो दुख है टर्बुलेंस जो है वो एक रोग की तरह है। सो ई कॉल इट दिस एजा बनते रोगो गंडो सल्लम, इट्स लाइक अ बॉयल अ डार्ट। एजा इमं पुरिसं परिकंडी तस्य तस्यैव भवस्य अभि निबित्तिया तस्मायं पुरिसो उच्चा वचमापजति। तो जो ये दुख है ये बहुत ही कष्टदायक है और ये व्यक्ति को एक से दूसरे जन्म के अंदर लेके जाता रहता है, भव नया भव देता रहता है। दैट्स व्हाई अ पर्सन फाइंड्स देमसेल्व्स इन स्टेट्स एंड लो हाई एंड लो। और जब एक से दूसरे जन्म में जाता है तो गारंटी तो है नहीं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कौन से लोक में जाएगा। सो दे कीप मूविंग फ्रॉम वन रेल्म टू दी अदर, हायर एंड लोअर।
एंड देन भगवान यू एल्सवेयर अमंग अदर एसेटिक्स एंड ब्राह्मण्स आई वाजंट इवन गिवन अ चांस टू आस्क दीज क्वेश्चंस दैट द बुद्धा हैज आंसर्ड द डार्ट ऑफ डाउट एंड अनसर्टेनिटी हैज लेन विद इन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द बुद्धा हैज प्लक्ड इट आउट. अभी बताते हैं कि शायद यही कुछ चक्कर होगा, मैं इनके पास जाता तो था लेकिन मेरे को ये पूछने तो देते नहीं थे, और भगवान ने ही मेरी जो विचिकित्सा है, कथन कथा है, डाउट्स है, उसको निकाला है. तो फिर भगवान उससे पूछते हैं कि अच्छा भाई, डू यू रिकॉल आज दिस क्वेश्चन, तुमने पूछे हैं ऐसे सवाल जो आज मुझसे पूछे, वो आपने पहले भी पूछे हैं. और ऐसा होता ही है कि हमारे कुछ सवाल होते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन, हम पूछने जाते तो कई बार एक्सपीरियंसेस हैं कि उनके रिस्पॉन्स नहीं मिलते या कुछ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स मिल जाता है. यस एक्सपीरियंस दैट इन द बुद्धा सेज नाउ दे हैव अ वेरी गुड रेपो दे बिल्ट अमंगस्ट ईच अदर. तो कॉन्वर्सेशन चल रही है, सो भगवान पूछ रहे इफ यू डोंट माइंड इन अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल वे ही सेज, इफ यू डोंट माइंड लॉर्ड ऑफ गॉड्स टेल मी हाउ दे आंसर्ड. He says, of course, Bhagwan, it's not trouble when someone such as a blessed one is sitting here and asking me that question. So, sir, I approached those who imagined I were ascetics and Brahmins living in the wilderness. जंगलों वंगलों में रह रहे थे, दूर दराज की गुफाओं में रह रहे थे, इन रिमोट लॉजिंग, दोज वर द पीपल आई अप्रोच. मुझे लगा इनको तो सही आता होगा तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, इनकी इनकी परियोजना इन्हें यहाँ लेके गई. But they were stumped by my question and they even questioned me in return. पर उनको मेरा सवाल ही नहीं समझ में आता था, वो तो घबरा जाते थे मेरे सवालों से, तो उल्टा मुझी से पूछते थे कि आपका नाम क्या है भाई, कौन हो. तो सबको बताते थे, बता देते थे अपना भोलेपन, मैं तो सक हूँ, देवता हूँ का राजा हूँ. तो ये एसेटिक ब्राह्मण कहते थे, बट लॉर्ड ऑफ गॉड्स व्हाट डिड ब्रॉट यू टू दिस पोजिशन. अच्छा तो तुम अगर देवराज हो तो ऐसा क्या, ऐसा कौन से कर्म होते हैं जिससे कोई व्यक्ति देवराज बन जाता है. सो दे वुड एक्चुअली स्टार्ट आस्किंग हिम, दे वुड बिकम इंटरेस्टेड इन हिम कि ये कैसे वहां पहुंच गया और कैसे हम भी देवलोक में पहुंचे. सो सक ने बोला कि मुझे जो धम्म समझ में आता था कि भाई क्या क्या सही कर्म हो सकता है, मैं तो वो समझा देता था उनको. सो आई टॉट देम द धम्मा एज आई हैड लर्नड एंड मेमोराइज्ड इट एंड दे वर प्लीज विद जस्ट दैट मच. तो वो उतने में ही वो आनंदित हो जाते थे, उनको लगता था चलो अब हमें तो रास्ता मिल गया देवलोक तक जाने का. तो वो कहते थे कि ओ हमने तो सक के दर्शन हो गए, हमको सक के दर्शन हो गए और सक ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए. तो अब सक भगवान को कहते हैं, इनवेरिबली दे बिकेम माई डिसाइपल्स, आई डोंट बिकम देयर्स, बट सर आई एम द बुद्धाज डिसाइपल. और अब इतना कुछ होने के बाद जब सक को अपने सारे जवाब मिल गए, ही इज सो प्लीज्ड विद ऑल द रिस्पॉन्सेज, ही सेज भगवान कहाँ तो वो मेरे डिसाइपल बन गए, मैं गया था उनको गुरु बनाने, वो मेरे गुरु बन गए, लेकिन जब मैं आपके पास आऊँ आई रिसीव ऑल द रिस्पॉन्सेज टू ऑल माई क्वेश्चन एंड सो आई एम द बुद्धाज डिसाइपल, आई एम अ श्री मेंटर. नाउ ही अनाउंसेस बिकॉज बाय नाउ इस प्रश्न उत्तर की को सुनते हुए इनको श्रोतापत्ति अवस्था प्राप्त हुई. सो आई एम नॉट लाइबल टू बी रीबॉर्न इन द अंडरवर्ल्ड. अब इन्होंने इतना तो इंश्योर कर लिया कि इनका नीचे के लोकों में, नीचे की गतियों में जाना नहीं होगा. ही इज बाउंड फॉर अवेकनिंग विद इन 7 लाइफ्स. तो अहं कोपन भन्ते भगवतो सावको सोतापन्नो अविनी पात धम्मो नियतो संबोधि परायण होती. अब तो मुक्ति का ही आगे का इनका रास्ता है. एंड दैट्स वाई हम जब ये सूत्र शुरू हुआ था तो ये कह रहे थे कि सक्कू को ऐसी इंक्लिंग थी कि इनकी मृत्यु होने वाली है. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई ही हैड सो मच ऑफ धम्म संवेग अपार्ट फ्रॉम सीइंग द होल गोपक गोपिका स्टोरी एंड देन टू टू ऑफ द गंधर्वास जो उनके सामने ही एक रैम से हायर रैम के अंदर चले गए थे मुक्ति की तरफ. और इनके तो अब इनको ये था कि कभी तो मेरी भी मृत्यु होने वाली है तो मैं नीचे की गति में ना चला जाऊं और फिर कैसे अपने धर्म को मैं बढ़ाऊं. और ही एक्चुअली हैड धम्म संवेग, दैट्स व्हाई इन द पास्ट आल्सो ही इज गॉन टू दीज वेरियस अदर एसेटिक्स एंड ऑल. सी देन इतना सुनने के बाद फिर अब सक जो है ही इज फुल ऑफ जॉय, ही इज एक्सप्रेसिंग इज जॉय ऑल्सो बाय सेइंग दैट
इन्होंने श्रोतापत्ति अवस्था प्राप्त कर ली और अब नीचे की गतियों में जाना नहीं होगा। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि जिस प्रकार का जॉय एंड हैप्पीनेस सोमनस अभी अनुभव हो रहा है, क्या वैसा पहले भी हुआ था? अभी जानसी नो त्वम देवानिंद देवानमिंद इतोपुभ्य एव रूपं वेद पटिलाभं सोमनस्य पटिलाभंती। आई डू सर, वो बताते हैं हाँ सर, ऐसी खुशी मुझे पहले भी अनुभव हुई है। जब देवासुर संग्राम हो रहा था एक बार पहले, तो फिर उस समय देवता जीत गए थे और असुर जो थे वो हार गए थे। तो मैं इतना विजय हुआ, ऐसी इतनी बड़ी विजय मेरी, तो इसलिए मुझे ये विचार आया कि अब जो देवता हैं वो सुख का अनुभव करेंगे, जो उन्होंने असुरों से जो उनकी सत्ता हासिल कर ली है, तो वो उसका सुख भी भोगेंगे, और देवताओं की हमारी जो अपनी सत्ता है, सुख है, उसको तो हम भोगेंगे ही। तो या चेवदानी दिब्बा ओजा या च असुरा ओजा, देवताओं की भी और असुरों की भी। उभय मेतं देवा परिभुञ्ये भुञ्ये सैति संति। बट सर नाउ ही इज ऑल्सो रियलाइजिंग, अब श्रोतापन्न हो गए तो इन्होंने ये भी कहा, और वैसे भी काफी वाइज है, सो ही सेज दैट वो जॉय तो था, बट देन दैट इज नॉट अ जॉय दैट लीड्स टू डिसिल्यूजनमेंट, डिस्पैशन, सेसेशन, पीस इनसाइट, अवेकनिंग एंड एक्सटिंग्विशमेंट। सो वेद लाभो वेद पटी लाभो सोमनस्य पटी लाभो स दंडा वचरो स सत्था वचरो न निबिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न भीयाय न संबोधाय ना निब्बानाय संवत्तति। बट दिस जॉय दैट आई एक्सपीरियंस फीलिंग आई फील लिसनिंग टू द बुद्धास टीचिंग, दैट इज नॉट इन द स्फीयर ऑफ रॉड एंड द स्वॉर्ड। इट विल नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट विल नॉट लीड टू एनी सेंसरी डिजायर्स दैट वुड कीप हिम एंटैंगल्ड इन द वर्ल्ड। इट एक्चुअली लीड्स टू विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिहाय संबोधाय निब्बानाय। So this is a different kind of a joy. He is experiencing the higher joy, जो हम बोलते हैं कि वो नेखम सितानी सोमनस, वो भी ऐसा जो कि लिबरेशन की तरफ जा रहा है, मोर एंड मोर। तो देन भगवान सेज कि भगवान भी अब प्रोब कर रहे हैं, सबको बहुत प्रोब कर चुका, तो नाउ ही इज टेकिंग हिज चांस फॉर डूइंग दैट। सो ऐसे कौन से रीजन है जिसके वजह से तुम इतने खुशी की बात कर रहे हो और ये सब हुआ, ऐसे क्या रीजन है? सो भगवान सबके कहते हैं भगवान ऐसे 6 कारण है जिसकी वजह से ये सुख मुझे अनुभव हो रहा है। इदेव तिथ्य मानस देवभूतस्य मे सतो पुनरायु च मे लद्धो एवं जानहि मारिस्। तो 6 कारण है। पहला तो ये इदेव तिथ्य मानस, नाउ ही स्टार्टेड रेफरिंग टू हिम एज मानस, इतिथ्य मानस देवभूतस्य मे सतो पुनरायो च मे लद्धो एवं। अच्छा ये शायद मैंने रिपीट कर दिया, बट बेसिकली व्हाट इट इज मीनिंग इज दैट ही हैज व्हाइल स्टेइंग राइट हियर रिमेनिंग इन द गॉडली फॉर्म आई हैव गेन एन एक्सटेंडेड लाइफ। सो एक्चुअली सक इसी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में, इसी डायलॉग में ही डाइड एंड ही वॉज रीबॉर्न एंड ही वॉज अगेन रीबॉर्न एज द सक। व्हाट डज दैट मीन? जो देवता होते हैं, एज वी नो दैट दे डोंट हैव अ फिजिकल, मतलब दे डोंट डाई इन द वे वी डू, एंड दे गेट अ नोटिफिकेशन कि अब डेथ आने वाली है, क्योंकि उनकी माला सूखने लगती है, बगलों में से स्मेल आने लगती है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन व्हेन दे आर रीबॉर्न दे जस्ट अपीयर, दे डोंट गो थ्रू द बर्थिंग प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दैट दैट इन दैट एग्जिस्टेंस अबाउट द लोअर रेल्स। सो देयरफॉर ही डाइड एंड देन ही वॉज रीबॉर्न इन द सेम पोजिशन, और ये बात किसी और को पता भी नहीं चली वहां पे। दैट इज व्हाट द कॉमेंट्री सेज, इट इज ओनली द बुद्धा एंड द सक हु न्यू दैट विद इन दिस डायलॉग ही हैज टेकन द सेकेंड बर्थ। तो ये सोतापन्न होके एक जन तो इन्होंने यहीं बैठे बैठे उनके ट्रांजिशन हो गया। एंड देन ही सेइंग तो दैट्स अ वन रीजन फॉर जॉय दैट आई हैव गेन एन एक्सटेंडेड लाइफ एज एन आई बीन रीबॉर्न। व्हेन आई फॉल फ्रॉम द हेवनली होस्ट
लीविंग बिहाइंड द नॉन ह्यूमन लाइफ आई शुड कॉन्शियसली गो टू अ न्यू वूम वेयर एवर माई माइंड डिलाइट्स. नाउ ही ऑल्सो इज एबल टू प्रिडिक्ट हिज नेक्स्ट बर्थ आफ्टर दिस सक्का बर्थ दैट ही जस्ट गॉट, कि जब मेरा ये वाला जन्म पूरा हो जाएगा सक्का वाला तो मैं ह्यूमन लाइफ में जाऊंगा, और जब मैं ह्यूमन लाइफ में जाऊंगा फिर जब उस लाइफ को छोड़ूंगा तो व्हेन आई गो लीविंग बिहाइंड द नॉन ह्यूमन लाइफ व्हेन आई फॉल फ्रॉम द हेवनली होस्ट तो मैं ह्यूमन लाइफ में जाऊंगा, फिर वहां से उसके बाद आई शैल कॉन्शियसली गो, उसमें भी मैं न्यू वूम में जाऊंगा वेयर एवर माई माइंड डिलाइट्स. सो हिज माइंड नाउ हैज द एबिलिटी और हिज मेंटल स्टेट्स हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर ही विल नेवर फॉल टू अ लोअर बर्थ वन, वो तो सोतापन्न के केस में वैसे भी नहीं होता, बट देन हिज स्किलफुल क्वालिटीज आर सो हाई दैट ही देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन हिम ऑफ रीचिंग टू द रेल्म्स वेयर ही इंक्लाइंस हिज माइंड. और वैसे भी वही होता है कि जितनी हमारी जो मेंटल टेंडेंसीज होती है उस दिशा के अंदर हमारे अगला जन्म होता है. टेनी सिंह लिविंग हैप्पीली अंडर द गाइडेंस ऑफ वन ऑफ द अनक्लाउडेड विजडम आई शिल प्रैक्टिस सिस्टमैटिकली अवेयर एंड माइंडफुल. तो उनका थर्ड जॉय जो है, जो किसी एक साधक का जॉय होता है हु इज रियली यू नो प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टली, इज दैट अब मैं जिस भी जन्म के अंदर होऊंगा वहां से मैं अपनी प्रैक्टिस को आगे ही लेके जाऊंगा. तो ज्ञानेन विहरसामि संपजानो पटी सत्तो, तो मेरे अंदर हमेशा एक माइंडफुलनेस बनी रहेगी. That is his next joy, which he couldn't have ascertained or said very confidently. अगर वो श्रोतापन नहीं होते तो हम जानते हैं कि तब तक की जो हमारी यात्रा होती है सती की और प्रैक्टिस की वो अलग टाइप की होती है. एक बार जान जैसारो ने भी कहा था, वंस यू गेट टू सोतापन अवस्था देन यू हैव डन लाइक 95% और मे बी 99.99% ऑफ द प्रैक्टिस. तो ही इज नाउ एट दैट स्टेज. So everything else is relatively easier, so to say, going forward. Then his fourth reason for joy is, and if awakening should arise as I practice systematically, I shall live as one who understands and my end shall come right there. So basically, अब मैं धर्म का ही जीवन जीऊंगा तो अब मेरे बहुत ज्यादा जन्म नहीं होने वाले हैं, जल्दी ही फिर निर्वाण भी प्राप्त होगा. When I fall from the human realm, leaving behind the human life, I shall become a god again, supreme in the human heaven realm, and they are the finest of gods. तो मेरा जो human realm के बाद वाला कौन सा जन्म है, वो भी इनको पता चल गया कि वो इनका glorious अखंडनिष्ठास जो देवों की realm है, उसके अंदर जाना होगा. That would be the last one for him. So knowing that what is going to happen. And I was just reflecting upon it कि हमें यही तो होता है कि अब ये तो मेरे जैसे लोगों को क्लियर है कि ये जन्म अभी तो बहुत सारे जन्म लेने हैं. सो वन वंडर्स कि क्या अगली लाइफ में धर्म प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी कितनी हो पाएगी, क्या मैंने इस जन्म में इतनी साधना पका पाई हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे टीचिंग मिल जाएगी, प्रैक्टिस मिल जाएगी, एंड हाउ विल इट कम टू मी वेरी अर्ली इन द लाइफ. इस जीवन के अंदर तो काफी 20-30 साल बाद आई, तो इस अगले जन्म में कैसा होगा, आने वाले में कैसा होगा. सो देयरफॉर दिस जॉय ऑफ समबडी की मेरी प्रैक्टिस अब कंटिन्यूअसली नेक्स्ट मोमेंट से नेक्स्ट बर्थ से चलने वाली है और मेरी मुक्ति होने वाली है, दैट जॉय इज सो सो कंफर्टिंग एंड सो यू नो वन नोज की अब नहीं छूटने वाला रास्ता. तो दैट्स रियली वंडरफुल टू सी. Therefore, he says, my wishes unfulfilled, doubting and undecided. I have wandered for a long time in search of the realized one. Went to ascetics and all, thinking उनकी मुक्ति हो गई होगी, पर उनसे जब सवाल पूछे तो वो तो मेरे सवालों से उनको नहीं जवाब दे पाते थे, और जब उन्हें पता चलता था मैं सक हूँ तो मुझसे ही सवाल पूछने लगते थे. मैंने उनको जो मुझे समझ में आया वो सब मैंने बता दिया, और वो कहते थे बस कि कुछ जाते थे, वी हैव सीन वास्तव, वी हैव सीन वास्तव. अब मैं भगवान बुद्ध से मिला हूँ जिन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं. आई एम फ्री ऑफ फियर नाउ, एंड वी रिमेम्बर हाउ ही हैड कम विद फियर बिकॉज ही इज सेइंग कि कैसे ये एनमिटी वेनमिटी ये सब जाते नहीं है, कैसे जाएंगे. नाउ ही इज सेइंग ही इज फ्री ऑफ फियर, आई पे होमेज टू द अवेकन वन. The Buddha, I bow to the great hero, the Buddha, kingsman of the sun, and he used all kinds of
ways to express his gratitude and his regard and his respect. In the same way, the Brahma ought to be revered by we gods. Dear sir, today we shall revere you. Come, let us revere you ourselves. And then they all bow to him. And then Sakya doesn't forget that कौन इनको जो लेके आया था यहाँ तक, जिस जो इनका माध्यम बना बुद्ध भगवान से कॉन्वर्सेशन करवाने का, इंट्रोडक्शन करवाने का. सो ही नाउ एड्रेसेस पंचसिक एंड सेज कि पंचसिक, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, तुम ही ने भगवान का ध्यान आकर्षित किया था, उसके बाद फिर मैं उनसे मिल पाया हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें जो तुम्हारी विश थी, इसकी विश थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड उसको या वो जिसको चाहता था भद्दा वो मिल जाए. तो नॉट ओनली ही इज गिविंग हर टू हिम, बट ऑल्सो आई शेल अपॉइंट यू टू योर फादर्स पोजिशन. यू शैल बी द किंग ऑफ द गंधर्वास एंड आई गिव यू भद्दा, हु ऑल्सो सक नोज एक्चुअली दैट शी ऑल्सो लाइक्स हिम. And while this discourse was being spoken, the stainless immaculate vision of the Dhamma arose in Sakya, Lord of Gods. And उन्होंने वही स्टेटमेंट कहा जो कि धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में हम सुनते हैं, एवरीथिंग दैट इज द बिगनिंग हैज एन एंड एंड ऑल्सो फॉर अनदर 80,000 डेटी. सो 80,000 देवता जो वहां पे प्रकट हुए थे, उन सभी को सोतापत्ति अवस्था प्राप्त हुई. मस्मिन चंग पन बेया करणस्मिन भैया माने सकस्य देवानमिंदस्य विरजं वीतमलं धम्मुच्चक्खुं उदुपादि यं किंचि समुदाय धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मं ति एसंच असीतिया देवता सहस्रान. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ दिस सूत्र विद द गुड न्यूज दैट सक्स एंड मेनी अदर्स वर लिबरेटेड और became Sotapanna. We can take questions if there is any questions or even comments. बंते जी आप म्यूट पे हैं. No, I'm just reading the text actually. I'm reading the text to myself. ओके सर. I'm not saying anything. तो टुमारो अ समरी ऑफ दिस एंटायर सूत्र विल बी प्रेजेंटेड एंड सर इज काइंडली वर्क टू डू दैट. सो इट वुड बी वेरी नाइस टू जॉइन एंड हियर द एंटायर समरी एंड द की टेक अवेज एक्चुअली कि हमारी प्रैक्टिस के लिए क्या चीजें कैसे एप्लीकेबल है, व्हाट कैन वी डू, दैट विल गेट टू हियर टुमारो. Kill over to you. Thank you. So let's sit for contemplation meditation. Yeah, a speaker has raised the hand. Kindly ask, sir. म्यूट पे आप. एक तो जो शक ने इम्प्लाई इम्प्लाई किया कि वो देवासुर संग्राम हुआ था वगैरह वगैरह, नेक्टर निकला था, कि जो ओरिजिनल ओरिजिनल इसकी जो व्याख्या है वो कहाँ पर है? किसी पुराण में है या किसी, उसका सोर्स क्या था, ये जरा मैं जानना चाहता था, क्योंकि ये ऑब्वियसली भगवान बुद्ध ने उसको वैसे ही रखा है. सर आप ही बता दें. क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया कि देवासुर संग्राम इज अ पार्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग्स ना. ही मेंशंस अबाउट इट इन मेनी सूत्रास. मेरा क्वेश्चन ये था क्योंकि इट इज आल्सो कॉमन टू द अदर ट्रेडिशंस, सो तो उससे उसका ओरिजिनल जो सोर्स है, आई शुड से ओरिजिनल सोर्स, द अदर सोर्स, वो Yeah, it is there in the Puranas. Yes, of course, it is there.
पुराणों में इसका चर्चा खूब होती है, खासतौर पर शिव पुराण में, बिकॉज लॉर्ड शिव प्लेड अ की रोल इन द इन रिजॉल्व ट्राइंग टू रिजॉल्व देवासुर संग्राम. डिडंट सक्सीड मच बट इट डिड ट्राई. विश्व पुराण में से या शायद आया होगा। उसमें दूसरा क्वेश्चन था, एक बार ऐसे मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, मे बी आई एम मिस्टेकन, कि आपने मेंशन किया था कि जो सोतापन होता है, ही डजंट नो अबाउट हिज अचीवमेंट अटेनमेंट, बट इन दिस पर्टिकुलर केस एंड इन अनदर केस दैट आई हैव रेड, दोस पीपल समहाउ नो अबाउट their attainment as Sotapanna. because he is in the Deva realm, maybe he has the ability. I don't know. I can't explain that. मुझे प्रसाद एक बार मैंने कहीं और भी पढ़ा था, पता नहीं वो जो नकुल पित्त सूक्त है या उसमें उसकी जो धर्मपत्नी है, she also declares herself indirectly as a Sotapanna. Don't know. I'd like to see that sutta. I don't know that which sutta is there where somebody's else is referring to himself as Sotapanna. I'm not sure. तो अच्छा, मुझे भी बताइएगा, मैं देखता हूँ. I don't know. मैं देखता हूँ, देख के आप जी. करूँगा। थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू. सर, सबका सुनते सुनते मैंने वो मर भी गए और जिंदा भी हो गए सेम फॉर्म में, सेम उसमें एज एन अडल्ट। That is what the sutta seems to lie. It's not exactly what वहाँ पे जो शब्द लिखा गया है, पुनरायु मतलब अगर बर्थ दोबारा उसका जन्म आयु बढ़, ये भी कई लोग कहते हैं कि आयु बढ़ गई, which essentially means same thing. Because they are spontaneously born, you know, they're not born like पहले छोटे होंगे फिर बड़े होंगे, ऐसा नहीं. तो सर वो मरे और जिंदा हुए तो उनको पिछली लाइफ की पूरी कॉन्वर्सेशन याद है, सब कुछ याद है और उसी की कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। That's what it's. It could be also mean that his death got postponed or something. You can interpret because the word is पुनर. पुनर means दोबारा, तो कई लोग उसको कहते हैं कोई लाइफ एक्सटेंड हो, जैसे इसमें भी लिखा था लाइफ एक्सटेंड हो गई, मतलब ही डिडंट डाई एज प्रोबेबली वाज डेस्टिंड. His lifespan increase. That could be another way of interpreting that word. सर तो चलो, सखा ने क्वेश्चन किया, अपने डाउट्स रिमूव किए, इसलिए वो पार लग गए। जो 80,007 आए थे तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो Listen दूर से भैया। to the question answer. No? They listened attentively to the question answer. They must also be having pretty good parmes. सारे 80,000 लग गए पार। नहीं, सूत्र में तो यही कहा है, कांट से एनीथिंग दैट. हाँ, कहा तो है सर, हम तो इतने सुन रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्या वो है। ऑब्वियसली द प्रैक्टिस मच है, मस्ट हैव बीन ऑफ अ मच हायर लेवल एंड ऑब्वियसली द अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, बट या The quality of a Sotapanna as indicated there, Yankinchi Samudaya Dhammang Tam Nirodha Dhammanchi. Whatever arises has the characteristic of passing away. Now, this is a very simple statement, apparently, isn't it? हम कह सकते हैं हमको भी मालूम पड़ता है, अनित्य बोध तुम्हारा ही पुष्ट हो रहा है, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट to that an extent that it is transforming our view completely. That is the difference.
So, why is our view not transforming? Because there are so many defilements which are carried on, which prevent it from happening. That's why we have a longer journey to longer task ahead of us. हमको अपने जो विकार हैं उनको ग्रेजुएट नहीं आया, एक दफा दोबारा बोल रहे हैं. Why do we have a longer journey? Because we have more defilements in us. No, we have bar, they have comparatively small. In every fact that somebody is born in that high realm as the king, he's done have wholesome deeds. Yes, yes, yes. सर एक छोटा सा होता इसमें सबका बोलते हैं वो बहुत बिजी है, माने बहुत ज्यादा लाइफ के उसमें इंटेंगल्ड रहते हैं, बट बुद्ध की लाइफ और भगवान की माने देवताओं की वो तो वन डे का ही हुआ. 80 years इज प्रॉब्ली लेस देन अ डे इन देयर लाइफ. उसमें तो 3 बार ही आ गए इंद्र भगवान धरती पे और फिर वो बोल रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ. Yeah, because for them, you know, the scale of life is huge. For them, one day is equal to our so many years. So we don't have to count it. तो ऊपर नीचे कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं मैं बिजी हूँ इतना All टाइम the तो time is like a splits like 1 second for him, all this time which is spent in discussion. From the point of view of his lifespan, you know, in that sense. You count it in human terms, lifespan in that realm is 100,000 years or something, which he had mentioned. No? Deva realm mein toh celestial years hote hain. How many celestial years? So that, and it's a huge number in terms of in human life. It is millions of years. So the time spent in conversation and question answer is a very insignificant part of his lifespan. हाँ जी थैंक यू सर. मेरे को एक ऐसे हो रहा था कि हम लोग ऐसा क्या करें, बट ऑब्वियसली दैट जो हम कर रहे हैं वो ही है पाथ. तो बट आई वाज जस्ट वंडरिंग क्या हमको एक चीज उठा के उसे बहुत ज्यादा डीपली फॉलो करना चाहिए कि वो बहुत एकदम कोर तक चला जाए, या बट वो होता नहीं है. इट्स लाइक एट फोल्ड नोबल पाथ सभी करना पड़ेगा. I'm just thinking out aloud, sorry. कोई एक ऐसा शॉर्टकट तो नहीं है ना अवेलेबल, हाँ जी शॉर्टकट नहीं है ना, कोई एक चीज करने तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं इस उसमें देख रही थी कि एक चीज इतनी डीपली हो जाए फिर दूसरे पे कर ले तीसरे पे कर ले, बट ऐसा नहीं होता ना. वो आपको हर चीज ही साथ साथ तीनों आप उसमें एक एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। अभी तो हम इतना देखा, वी सॉ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन विज्ञान एंड नाम रूप, नाम एंड रूपा, that they are so strongly intertwined कि अगर वो कम होंगे तो साइमल्टेनियसली कम होंगे, बढ़ेंगे तो साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे। सो दे हैव टू बी ब्रॉट डाउन सब्सटेंशियली फॉर अवर विजन टू ट्रांसफॉर्म। हमारा व्यू ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ना। समझ एक बात होती है, अनुभव एक बात होती है, उसके आधार पे क्या हमारा दृष्टिकोण बदला वो बात वी कैन चेक टू व्हाट एक्सटेंट इज अनित्य बोध मैनिफेस्टेड इन अवर डे टू डे एक्शंस, डे टू डे लाइफ।